नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोम भाई मोदी मंगलवार को गाजीपुर में सिद्धपीठ हथियारा मठ स्थित बुढ़िया माई मंदिर में पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। कल दिनांक 4 दिसंबर को गाजीपुर के अति प्राचीन हथियारा मठ में पीएम नरेंद्र मोदी के सगे बड़े भाई सोम भाई मोदी पहुंचे और वहां 700 साल पुराने बुढ़िया माई मंदिर में मत्था टेका और मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि 2017 में जब वे गाजीपुर में आए थे, लेकिन खराब सड़क के कारण उन्हें बैक पेन हो गया और उन्हें 6 महीने तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने अध्यात्म से जुड़ी बातें भी की और मठ के लोगों को धन्यवाद किया। महामंडलेश्वर स्वामी भवानीनंद यति महाराज द्वारा जब उपस्थित लोगों से उनका परिचय प्रधानमंत्री के बड़े भाई के रूप में कराया तो उन्होंने बीच में ही रोक दिया। साथ ही वह लोगों के बीच खड़े होकर क्षमा याचना के साथ बोले कि मेरे और प्रधानमंत्री के बीच एक पर्दा है, मैं उसे देख सकता हूँ पर आप नहीं देख सकते। मैं नरेंद्र मोदी का भाई हूँ, प्रधानमंत्री का नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो 125 करोड़ देशवासियों में से एक हूँ, जो सभी उसके भाई बहन हैं। सोम भाई मोदी यहाँ से फिर वापस बनारस चले गए। इनका दौरा अचानक और बहुत ही गोपनीय था, इसलिए इसकी जानकारी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी तक को नहीं हो पाई थी। पुरानी ये प्रतिमा है, पूरी प्रतिमा मिट्टी से बनी हुई है और महाराष्ट्र के गुरुवर्य को मूर्ति प्राप्त हुई थी जिसकी स्थापना की है। और महाराष्ट्र ने बताया तो गुरु जी के शिष्य को उन्होंने आदेश दिया, शिष्य को लकवा लग गया था, उठ नहीं पाया, कुछ काम नहीं किया। महाराज से गुरु जी वहाँ उस पर गुस्से हो गए और उन्होंने माता जी को प्रार्थना की, उनके शिष्य को तुरंत आराम हो गया। और तब से लेके उनके कहने के मुताबिक यहाँ पर लकवा ग्रस्त से जो लोग भी आते हैं उनको स्वास्थ्य प्रदान होता है। और 23 डेज के अंदर 23 दिन के लिए रोज आना है, माता जी की पूजा करना है, दर्शन करना है और फेरी करना है और 23 दिन के अंदर वो तंदुरुस्त होकर यहाँ से जाते हैं। ये आज के विज्ञान युग में बहुत बड़ी बात है और मैं महाराष्ट्र के प्रार्थना करूँगा ये बात को समाज के लिए उजागर की जाए। ये भी एक सेवा का विचार। 2017 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था, मैं यहाँ आया था, कई विस्तार में घुमा था। यहाँ के रोड रास्तों की वजह से मेरी बैक पेन इतनी सीरियस हो गई कि मैं 9 मार्च 2017 के दिन वाराणसी से अहमदाबाद पहुँचा। 10 तारीख को डॉक्टर से मिला, 11 तारीख को मेरा MRI हो तो हुआ। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए एडवाइस दिया था, मैंने बोला एडवाइस आपकी बराबर है लेकिन ऑपरेशन मुझे नहीं करवाना है। इसलिए नहीं करवाना है कि स्पाइन का ऑपरेशन था, उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत होते हैं और 75 ईयर्स की मेरी एज है तो इसका क्या रिजल्ट आएगा पता नहीं। मैंने बोला ऑपरेशन नहीं करवाना है तो डॉक्टर ने कहा कि आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। मैंने मिला उसको बेड रेस्ट कहते हैं लेकिन मेरे लिए अच्छा रेस्ट है, बेड नहीं अच्छा है। तो मैं हॉस्पिटल में ही सो गया, 50 दिन हॉस्पिटल में रहा और प्रभु कृपा से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। महाराष्ट्र की अमृत वाणी सुनी नरेंद्र भाई ने, प्रधानमंत्री के बड़े भाई। मैं क्लैरिफाइड ये करना चाहूँगा, मैं प्रधानमंत्री का भाई नहीं। आपको बड़ा आश्चर्य हो जाएगा इसलिए इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए देश की पूरी जनता उनकी भाई बहन आप सभी के भाई है। मैं एक मैं भी हूँ नरेंद्र भाई का भाई। नरेंद्र भाई और प्रधानमंत्री के बीच में एक पारदर्शक स्क्रीन है जो हम देख सकते हैं कि